हेलो, आई एम ऑथर क्वीन ऑफ हेलनिया। तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले आप सबके साथ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रहा है इसे इग्नोर करें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चले शुरू करें। बाहर बहुत ही तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक बहुत ही आलीशान से बंगलों के अंदर एक खूबसूरत से बिस्तर पे बामाक्सी लेटे लेटे रो रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और अगस्तिया अंदर आता है। उसके हाथ पे कुछ फाइल वगैरह था। उसने एक नज़र बामाक्सी को देखा और अपने अट्रैक्टिव आवाज़ में बोला, क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? आई नो तुम मेरे बिना बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हो, इसीलिए ही मैं यहाँ पे ही अपना ऑफिस का काम करने आया हूँ। ये सुनने के बाद बामाक्सी एक नज़र उसको देखता है और बहुत ही रुआसी आवाज़ में बोलती है, क्या आप मिलेगा, आपको क्या 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 मिलेगा, ये सब करके। बामाक्सी इतनी ज़्यादा दर्द में थी कि उससे ठीक से बात भी किया नहीं जा रहा है, जिसे समझ के अगस्तिया ने उस पर थोड़ा सा रहम खा के बोला, डॉक्टर अभी आ रहा है, तुम्हारा चेकअप करेगा डॉक्टर, और एक बात, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे परिवार को निपटाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोल के अगस्तिया बहुत ही मीठा सा मुस्कुराता है। उसका मुस्कुराहट इतना ज़्यादा मीठा है कि उसके आगे चीनी भी फीकी पड़ जाए, और उसका ये मुस्कुराहट देख के बामाक्सी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसे पता है ये आदमी कितना ज़्यादा अगस्त्य रॉय से खड़ा बकवास नहीं सुनना, ऐसे ही घुट घुट के जियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसे जी रहा है, मुझे बस खुद से मतलब है, खुद से मतलब है, समझ गई ना? चुपचाप आराम करो, खाना लेके आ रहा है आंटी, खाना खाने के बाद सो जाना। ये बोल के अगस्त्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और प्यारी सी मासूम सी बामाक्सी रोती रहती है, क्योंकि उसे अब नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उसका तो मन कर रहा है अपना जान ले ले, बट वो ऐसा नहीं कर सकती है। क्या होने वाला है इसके बाद? क्या अगस्त्य जाने देगा बामाक्सी को? क्या बामाक्सी निकल पाएगी, या फिर बंद हो जाएगी अगस्त्य के कैद में?